हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी ड्रिल मशीन जो होती है वो रोटेटिंग होती है, लेकिन रोटेट करती है लेकिन होल नहीं कर पाती है। ड्रिल मशीन पत्थर या फिर ईंटों की दीवार में रोटेटिंग होती है लेकिन होल नहीं कर पाती है। तो इसमें ड्रिल मशीन में होता ही है कि या तो फिर उसमें ब्रेकर मिस्टेक होता है, जिसमें कि ब्रेकर में वाइब्रेटिंग सिस्टम होता है। ड्रिल मशीन जो होती है 3 स्टेप में चलती है, एक रोटेटिंग मोड पर और एक वाइब्रेट के साथ रोटेटिंग मोड पर और तीसरा केवल वाइब्रेटिंग मोड पर ही चलती है, जिसमें कि दीवार में होल करने के लिए हमें वाइब्रेट के साथ में रोटेटिंग मोड पे चलानी होती है, जिससे पत्थर में आसानी से होल कर पाती है। यदि पत्थर में या फिर दीवार में होल नहीं हो रहा है तो उसमें होता ही है कि हमारी मशीन का वाइब्रेट मिस्टेक है। ड्रिल मशीन जो वाइब्रेटिंग मोड पर चलती है उसमें वाइब्रेट करने के लिए उसमें एक अलग से पिस्टन लगा हुआ होता है। ड्रिल में जो पिस्टन टूट जाने की वजह से वो घूमती है लेकिन वाइब्रेट नहीं होती है। ड्रिल मशीन अंदर से ही वाइब्रेट होती है, बाहर जो हमारा बिट लगा हुआ है उस पर वाइब्रेशन नहीं होता है, जिससे कि वह होल नहीं कर पाती है। उसमें वाइब्रेशन में पिस्टन होता है या फिर पिस्टन टूट जाने की वजह से भी होल नहीं कर पाती है ड्रिल मशीन। और ड्रिल मशीन में जो पिस्टन लगा होता है, पिस्टन के पास में एक पिन लगी हुई होती है, वो पिन निकल जाने की वजह से या फिर टूट जाने की वजह से ड्रिल मशीन का वाइब्रेटर वर्क नहीं करता है। ड्रिल मशीन में वाइब्रेट करने के लिए एक बेयरिंग लगा हुआ होता है, जो कि ड्रिल मशीन को ब्रेकर का काम करता है। जो उस बेयरिंग के टूट जाने की वजह से भी हमारी ड्रिल मशीन वर्क नहीं कर पाती है, जिससे कि वह केवल रोटेटिंग मोड पर ही चलती है और ब्रेकर में पिस्टन काम नहीं करने की वजह से होल नहीं कर पाती है। तो उसमें हमें ड्रिल मशीन को रिपेयरिंग कराने की जरूरत होती है, जिससे तो दोस्तों ड्रिल मशीन में पिस्टन मिस्टेक होने की वजह से ही ड्रिल मशीन रोटेटिंग होती है पर वाइब्रेटिंग का काम नहीं करती है, होल नहीं कर पाती है वाइब्रेशन के साथ में। तो उसमें हमें ड्रिल मशीन में रिपेयरिंग कराना होता है, जिसमें ड्रिल मशीन में या तो फिर पिस्टन टूट गया हो तो उसमें पिस्टन नया लगवाना होता है, या फिर उसका बेयरिंग टूट जाने की वजह से वाइब्रेशन वर्क नहीं करता है, जिसमें हमें ड्रिल मशीन में या तो फिर वाइब्रेशन का बेयरिंग नया लगवाना होता है या फिर पिस्टन नया लगवाना होता है। तो उसमें हमें ड्रिल मशीन को रिपेयरिंग कराने की ज़रूरत होती है। तो उसमें रिपेयरिंग कराने के बाद ही ड्रिल मशीन वाइब्रेशन के साथ वर्क कर सकती है, जिसमें ड्रिल मशीन में वाइब्रेशन में हम दीवार और पत्थर में होल कर सकते हैं, या फिर प्लम्बिंग में हम वाल कटिंग कर सकते हैं, वाल चीरी बना सकते हैं, जिससे कि हमें पाइपिंग करनी होती है अंडरग्राउंड लाइट फिटिंग में या फिर अंडरग्राउंड नल फिटिंग में। वाल कटिंग करने के लिए हमें ड्रिल मशीन में ब्रेकर का यूज़ करना होता है, तो उसमें पिस्टन ही वर्क करता है ब्रेकर में, तो उसके लिए हमें रिपेयरिंग कराने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इससे रिलेटेड और भी कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना।